सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं देव जंगवाल। दोस्तों मेरे पास एक पार्सल है जिसके अंदर कुछ आईफोन्स हैं, तो मैं आपके साथ ये केस स्टडी शेयर करना चाहूंगा। अभी आप देखो, मैं फोन को इस तरह से, कल मैं एक मेले गया था, उसके अंदर मैंने ये 50 रुपये का परचेस किया। काफी अच्छा है, प्रोडक्टिव है। इसके अंदर मैं अपने ये सारे केस स्टडी रखूंगा। एक मेरे पास आईफोन 12 है, इसको भी, इसका भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और आप इसका वीडियो भी देखेंगे, ठीक है। बेसिकली इस पर ये डेड है और ये चार्जिंग से डेड है, या जो भी इस कंडीशन है इसकी। ये ऑलरेडी सब काम किए हुए मोबाइल है, ये सब हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनके मोबाइल हैं, हम इस पर लाइव काम करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं है और काम किए हुए मोबाइल है, मतलब सब आईफोन पे काम कर रहे हैं ये करके। ये देखो, एक और फोन भेजा मेरे पर, आईफोन का 7 प्लस, इस पर भी ये डेड है, तो हम इस पर भी काम करेंगे। और आप देख ही सकते हो ये हालत, यहाँ पर ये खुला हुआ है ऊपर से, यहाँ पर भी आप देखो तो इसके सारे स्क्रू उतरे हुए हैं, मतलब बोर्ड पे भी पीछे कहीं ना कहीं काम है, तो इस पर भी हम काम करेंगे और डायग्नोस करेंगे। स्वैपिंग नहीं करेंगे, स्वैपिंग एक बहुत लास्ट केस होता है, ठीक है। तो फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, डायग्नोस करेंगे ये करके। तो ये जो इस तरह का वॉलेट है, इस तरह से अच्छा है। अब जो भी चीज़ है इसके अंदर, सिम कनेक्टर या जो भी एसेसरीज हो गए इसकी, और सारी फेस आईडी या जो भी कनेक्टर वनेक्टर सब इसमें डाल के करेंगे, ठीक है। जिसमें कोई भी अब सामान घूमने की जो रहता है ना, वो नहीं होगा। एक और मेरे पास फोन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और ये मेरा रात का टाइम है काम करने का। इस टाइम पे मैं अपने आईफोन पे काम करता हूँ बेसिकली, दिन पे एंड्रॉइड, रात में आईफोन। अभी देखो ये ऑन प्रॉब्लम है, ऑन है, बट ये मेरे ख्याल से पावर की का कोई प्रॉब्लम है कस्टमर का, ये फोन यहाँ से डायर ऑन ही हो रहा। तो ये भी देखो किस कंडीशन में इन्होंने भेजा हुआ है। अगर मैं ये कंडीशन आपको बताऊँ, यहाँ पर ये भी देखो, देखो तो इस कंडीशन में फ़ोन भेजते हैं। और मैं हमेशा तो कहता हूँ कि आप अगर फ़ोन रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं और मैं अपना पता आपको दे दूँगा, ठीक है। पर पहले आप अपने लोकल में पता करवा लो, जो बनता है तो लोकल में बनवा लो, फिर उसके बाद मुझे भेजो, ठीक है, ये करके। और अब मेरे पास एक अभी फिलहाल जो मैं केस स्टडी लेकर बैठा हूँ दोस्तों, वो केस स्टडी है आईफोन 11 की। ये यहाँ से मुझे फ़ोन आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ से मुझे फ़ोन आया हुआ है, गया बिहार, तो ये बिहार से है और पिन कोड है 7829, क्या है भाई, 7824211, या पता नहीं क्या है पिन कोड है, जो भी है इनकी राइटिंग में। ये आईफोन 11 है। आईफोन 11 का केस स्टडी क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इसको लगा के रखा हुआ है, एक रील में इसका दिखाऊंगा। इस फोन के अंदर जो आईफोन, सिर्फ इन्होंने खाली बोर्ड भेजा है और कुछ नहीं भेजा, और ये डैड लिख के भेजा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस फोन के अंदर बीबैट बन रहा है पर VDD मेन नहीं बन रहा है, तो हम उसी को ट्रेस कर रहे हैं कि VDD मेन क्यों नहीं बन रहा है, क्या हमें किस IC पे काम करना चाहिए। तो ये पूरा फॉल्ट आप इसको समझिए और ये पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि VDD मेन बनने के बाद क्या ये सेट ऑन होता है या कौन सी कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप आईफोन पे काम करना चाहते हैं या आईफोन के रिपेयर सेट कराना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल DM करो मेरे इंस्टाग्राम में, मैंने इंस्टाग्राम नीचे लिंक दी है, आप मुझे वहाँ पे DM करो, मैं वहाँ मैसेज का जवाब दूंगा। आप मुझे आईफोन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा DM पर, सिर्फ DM है ना, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। इंस्टाग्राम में आप मुझे करो फॉलो कर लेना, लिंक मैंने नीचे दी है। और उसके अलावा अगर आपको आईफोन रिपेयर करवाना है तो आप भेज सकते हो इंस्टाग्राम में मुझे DM करके, मेरा पर्सनल एड्रेस ले लो, मेरी लैब का एड्रेस ले लो कहाँ पर है। और अगर आपको आईफोन का ऑनलाइन कोर्स करना है शॉप में बैठे, अगर आप ऑलरेडी एंड्रॉइड पे काम कर रहे हो, IC का काम कर रहे हो, या CPU करना चाहते हो आईफोन के अंदर, नैंड प्रोग्रामिंग करना चाहते हो और सर्किट रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, फॉल्ट फाइंडिंग सीखना चाहते हो कि आपको कैमरा का सर्किट रिपेयर करना है तो कनेक्टर से कहाँ से शुरुआत करें, लाइट, डिस्प्ले, ग्राफिक्स और चार्जिंग हो गया, पावर बूट सोके, सो ये सब कुछ के लिए मेरा एप्लीकेशन है। एंड्रॉइड में जाइए, डाउनलोड कीजिए एजा टेलीकॉम आईफोन मास्टर, ओके। पहले जो सबसे पहला काम हमें इसमें ये देखना है कि सॉर्टिंग तो नहीं है, तो सेट में सॉर्टिंग बिल्कुल नहीं है, ना वी बैट पे टच करने पे कोई रीडिंग ले रहा है, ना ही आपका PPH पे, या मैं बोलूंगा आईफोन की लेंथ में VDD मेन पे टच करने पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और सबसे पहले मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया, मैंने इसको चार्जर से लगाया है। आप इसको डायरेक्ट डीबेट से लगा सकते हैं पर मैंने इसको चार्जर से लगाया। तो देखो मैंने कैसे लगाया, मैंने एक जम्पर लिया है और वो जम्पर मैंने कैसे लिया है मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो साथ में हम देख के चलेंगे कि चार्जर से कैसे लगाना है, क्योंकि जैसे ही मैं चार्जर से लगाऊंगा तो इसका बीबस एक्टिवेट होगा और इसका स्विचिंग चार्जिंग सर्किट एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ इसके डायग्राम पर। सो आईफोन 11 है, हम डायग्राम ओपन करेंगे, ठीक है, और स्कीमेटिक के हिसाब से चलेंगे और हम इसका साथ में बिटमैप भी ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिटमैप ओपन किया है, ठीक है, तो मैं सेंड कर देता हूँ, एक मिनट।
अब मुझे करना क्या है, इसका डायग्राम ओपन कर लेते हैं, पीसीबी का लेआउट और स्कीमेटिक आपको एक बिटमैप ओपन कर लेते हैं ताकि आपको इजीली तरीके से समझाओ। तो क्योंकि अब इस फोन में फ्लोटिंग तो नहीं है, इस फोन का वीडियो मेन नहीं बन रहा है जिसकी वजह से ये कोई ड्यूटी ले रहा है, और पावर की पे भी वोल्टेज आने रहा है। पावर की पे वोल्टेज ना आने का कारण इसका वीडियो मेन ही है क्योंकि ये कोई भी वोल्टेज नहीं ले रहा है। तो अभी हमने करना क्या है, हम इसको और देखते हैं, बस डिलेक्ट सकता हमें चाहिए पॉइंट, ये हमारे चार्जिंग आईसी के साथ है। ये कैपेसिटर से भी हमें अटैचमेंट मिल जाएगा, हम अगर ये कैपेसिटर अगर वीवस की लाइन का कैपेसिटर भी सच कर लें तो हमें मिल जाएगा। ये कैपेसिटर आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें इसकी चार्जिंग आईसी के पास जाना है जो कि यहाँ लगी हुई है। ये अब यहाँ पर आप देखो यहाँ लिखा भी होगा वीवस, अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो जितना भी वीवस का लाइन है ये सारा पॉपअप हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये देखिए वीवस का लाइन आप देखो पीछे आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने क्या किया है आप नोटिस करना, यहाँ पीछे इसके साथ में ये पीछे के साथ में ये वीवस का जो लाइन है, और मैं बताना चाहूंगा ये बैटरी के पास में भी पॉपअप हो रहा है, ये बैटरी के पास में भी एक और टच पॉइंट है ये वीवस का। तो अभी जो मेरे पास तो सिग्नल लेयर है तो मैंने ये बैटरी के पास वाला लगाया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नोटिस करो यहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बैटरी के पास में आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक केबल को काटा है और केबल को काट के उसका प्लस जो है वो यहाँ जम्पर पर रहा है और माइनस को ग्राउंड किया कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको चार्जर पर लगा दिया, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे मैंने इसको चार्जर पर लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा बेसिकली जो 5 वोल्टेज है वो मिल रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर ये मल्टीमीटर देख सकते हैं, सेलॉक का मल्टीमीटर यूज कर रहा हूँ, मैंने अभी वोल्टेज मोड पे डाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरे को ये बराबर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये करके। तो पहला तो हम क्योंकि डायग्नोस्टिक में बहुत आराम से लेकर चलूंगा, नहीं तो दरवाजे में वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले तो हमें वीवस देना है ये देख के, क्योंकि डायरेक्ट मोबाइल है शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग होगी तो हम डायरेक्ट शॉर्ट कर यूज कर लेते या कुछ भी कर लेते। सो आप देखो तो यहाँ 5 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ 5 वोल्टेज बराबर दिखाई दे रहा होगा, 5.2। अब हमें क्या करना है, और हमें इसकी चार्जिंग आईसी के पास जाना है। फिलहाल हम क्या करते हैं, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे हम वीवस देते हैं हमारे जो पावर आईसी के पास के जो ये सी कैपेसिटर है, ठीक है, ये सारे कैपेसिटर हमें वो क्या करेंगे, ये आपका वीडीडी मेन बनाएंगे, क्योंकि चार्जिंग आईसी अगर ओके होगी तो स्विचिंग करेगी और वीडीडी मेन बनाएगी। तो आप देखो कि इन कैपेसिटर पे क्या वोल्ट आ रहा है, देखो एक लोअर वोल्ट 1.8 कुछ देखने को मिला था पर अभी वोल्टेज 0 हो गया है, ये देखो 1.9 1.2 वोल्ट, 2 वोल्टेज आ रहा है, पूरा वोल्टेज नहीं आ रहा, जबकि वीडीडी मेन यहाँ पे बनना चाहिए तकरीबन 3.6 के ऊपर, ठीक है। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं आपको ये कैपेसिटर में चेक कर रहा था, ये कैपेसिटर, ये सारे कैपेसिटर आपके वीडीडी मेन कैपेसिटर है। अब इन कैपेसिटर को जूम करके यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, यहाँ लिखा होगा, ये लिखा हुआ है वीडीडी मेन, क्लियर है। इवन हम इन कैपेसिटर को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ जाके पेस्ट करेंगे और ये हटा देंगे। ये जो कैपेसिटर यहाँ पे आ रहे हैं, ये कैपेसिटर आप देखो तो वीडीडी मेन के कैपेसिटर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें तो चार्जिंग आईसी पे जाना है, क्योंकि रीजन ये है कि हमारा जो वीडीडी मेन है वो बन नहीं रहा है, और वीडीडी मेन ना बनने का रीजन चार्जिंग आईसी हो सकता है। तो हम चार्जिंग आईसी को टेक्निकली रूप से चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखो ये हमारी चार्जिंग आईसी है, तो यहाँ पर ये चाइनीज चाइना में एक रिवर है यंत्र जी करके, तो यंत्र जी बेसिकली हमारी चाइनीज आईसी है, उसको कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये आपके बोलने पर निर्भर करता है। तो ये हमारा वीवस है, ये हमारा चार्जिंग से निकलने वाला रोटर मतलब वायरलेस चार्जिंग के लिए है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 वीवस एंटर कर रहे हैं, क्या ये पूरा सर्किट कॉमन है। हम सबसे पहले इसमें ये स्विचिंग चेक कर सकते हैं कि इसमें स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि स्विचिंग नहीं होगा तो स्विचिंग आगे जाकर कहाँ से मिल रहा है, तो आप देखोगे जो वीडीडी मेन, तो वीडीडी मेन बना रहा है। तो ये बात हम देखेंगे कि भाई ये हमारा वीडीडी मेन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और ये वीडीडी तब जाके ये बैंड भी बनाता है जो कि वीवी बैंड जो आपका बैटरी पर जाएगा। तो फिलहाल तो हम इसमें ये देखेंगे पीएमआईडी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और भी बहुत है कि चार्जिंग आईसी को चेक करने के लिए हमें बूट कैपेसिटर चेक करने की जरूरत नहीं है, हम खाली ये एलडीओ चेक कर लेना, ये एलडीओ इन, तो ये 6 वोल्टेज यहाँ बनने चाहिए इंटरनल, तो ये समझो ये आईसी ओके है, अदरवाइज ये आईसी ओके नहीं है। तो पहले मैं एलडीओ चेक करता हूँ,
ये कैपेसिटर यहाँ है, यहाँ पर ये कैपेसिटर में ढूंढना पड़ेगा। ये कैपेसिटर यही आईसी के बगल में छोटा सा यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ये आईसी के बगल में ये छोटा सा है, तो यहाँ पर ना इन तीनों कैपेसिटर का 6 वोल्टेज होने चाहिए, तो ये हमारा चार्जिंग का सर्किट एकदम ओके है। मतलब चार्जिंग आईसी ओके है, सर्किट तो ओके नहीं बोलूंगा। तो आपको समझ आ रहा होगा आईफोन का, ऐसे ही मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन किया है, पर मैंने कोर्स में डिटेलिंग ये पढ़ा नहीं किया। तो आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करेंगे यहाँ पे कैपेसिटर में। आप देखो तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर में सबसे पहले देखेंगे कि 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे करके। तो हमारा ग्राउंड हट गया है, ग्राउंड को नंबर मान लेते हैं क्योंकि ग्राउंड हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा जम्पर वैसे नहीं बनाता कि जिसमें इसलिए बहुत नॉर्मल जम्पर क्योंकि टेस्टिंग हो जाती है, कोई वीडियो बनाते समय थोड़ा सा हिलता ही है। ठीक हो गया है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवा दूँ 5 वोल्टेज, तो ये हमें चार्जिंग आईसी के पास मिलने चाहिए। तो मैंने प्लस को क्या रखा है, माइनस को मैंने रखा, तो मैं वोल्टेज भी मिलेंगे माइनस में मिलेंगे। तो देखो 5.2 वोल्टेज मेरे को चार्जिंग आईसी के पास मिल रहे हैं। अब मुझे इन वोल्टेज में इन कैपेसिटर में चेक करना है कि मेरा एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी आपको वोल्टेज बन रहा है 5.2, तो यहाँ पे 6 वोल्टेज समथिंग मिलने चाहिए, बट यहाँ पे 5.2 मिल रहा है। तो इसके अलावा और क्या है आप चेक करने के लिए, आइए हम देखते हैं। तो जब हम डायग्राम के अंदर जाएंगे तो इसके अलावा अब हमारे पास में हम MID चेक करेंगे, MID बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये हमें 5 वोल्टेज मिलना चाहिए, तो एक MID का कैपेसिटर लेंगे। MID एक तरह का ये समझिए एक MOSFET होता है, जिसको बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ये एक जो MOSFET है ये रिवर्स, जिसको मुझे RB MOSFET है, RBFET करके एक MOSFET होता है जो कि PMID बनाता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायोड की जैसे होता है, पर है एन चैनल, पर फॉरवर्ड डायोड की तरह काम करता है। जैसे आपने रिवर्स डाला यहाँ पर आपको PMID बनेगी। ये आपको यहाँ 3312 का ये आपको बन रहा है, ये कैपेसिटर इस IC के जैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका ये PMID बन रहा है कि नहीं बन रहा करके। ठीक है, नीचे ट्राई करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि PMID बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका PMID बन रहा है, आप नोटिस करो। ठीक है, आपको इसका मतलब अभी ये हम कह सकते हैं इंटरनल थोड़ा जितना भी हम चल के चेक कर रहे हैं उतने पॉइंट तो क्लियर है हमारे। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है आईसी के अंदर दिवस के बाद PMID चेक करते हैं, फिर हम ये चेक करते हैं कि अब हमारी ये स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें LDO भी बन रहा है और इसके अंदर ये जितनी भी लाइनें SDSCL या सिस्टम अलाई PMU से आने वाली 1.8 वोल्टेज की तरह, तो ये सारी लाइनें हम बाद में आईसी के निकाल कर चेक करेंगे। पर अभी फिलहाल हम देखते हैं स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दो कॉलों पर अलग अलग कॉलों पर स्विचिंग होकर आगे जाके कैपेसिटर में कनेक्ट हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ये कैपेसिटर में चेक कर सकते हैं। और जो स्विचिंग है हमें वो हमें कॉलों के इधर चेक करना पड़ेगा आईसी की ओर। तो ये बूट कैपेसिटर जो हमें दिखाई दे रहा है, इन बूट कैपेसिटर में भी हम चेक कर सकते हैं। तो बूट कैपेसिटर जनरली बहुत छोटे होते हैं आईफोन के अंदर, ये देखो ये नीला का है और ये दो बूट कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दो कॉइल है, ये कॉइल आप देखो तो 1 माइक्रोहेनरी की है, एंड्रॉइड में भी 1 माइक्रोहेनरी का कॉइल यूज करते हैं, क्योंकि ये दो कॉइल है। हम इस कॉइल के आउटपुट में देखते हैं कि हमें कोई वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सबसे पहले, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि कोई भी काम हो रहा है कि नहीं कर रही। तो अभी कैसा है, हम इस कॉइल का आउटपुट यहाँ पे ढूंढते हैं, हमें ऐसे करना क्या है। देखो ये कॉइल का आउटपुट है, ये कॉइल का इनपुट है, तो ये जो बड़े से दो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं ये हमारा कॉइल का आउटपुट है। अभी हमको यहाँ पर वोल्टेज मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमने चार्जर लगाया है और चार्जर लगा पर ये वोल्टेज हमें मिलता है। तो ये कॉइल का भी हो सकता है, क्योंकि आईसी तो फिलहाल एलडीओ बना रही है, तो मैं कहूँगा आईसी ओके है, क्योंकि मेरी टेस्टिंग हमेशा सही रहती है फोन को लेकर। ठीक है, तो आओ देखें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं आप नोटिस करो, इन कैपेसिटर में चेक करेंगे। देखो ये 5 आ रहा है, क्या है ये रिवर्स। ठीक है, ये 5 आ रहा है, क्या है ये MID, और यहाँ पे 5.2 आ रहा है LDO, और यहाँ पे 6 आना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप है काफी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना चार्जर निकालेंगे, अब यहाँ पे GR चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये लाइन में कोई लीकेज होता तो ऑटो रीडिंग देता, पर क्योंकि हमें ऑटो रीडिंग तो मिल नहीं रही है, तो हम डायोड मोड पे जाते हैं और हमारा GR बिल्कुल सही आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना आ रहा है, तो लीकेज तो है नहीं। जैसे कि मैंने कहा है लीकेज होता तो हमें ऑटो रीडिंग देता, पर क्योंकि हमें ऑटो रीडिंग नहीं दे रहा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट 4 वोल्टेज भी टच करके देख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन ना पूरा
बीपीएच से ही जुड़ा हुआ है। तो मसला ये है, हमारा या तो आईसी ड्रॉप कर रहा है या तो कॉइल ड्रॉप कर रही है, कहीं ना कहीं ना कहीं हमारे पास बस कोई ना कोई पॉइंट डाउट है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर देख लेंगे कि कोई कैपेसिटर बीप तो नहीं कर रहा है आईसी के पास। अभी हमने इसका बूट चेक नहीं किया है, अब हम अभी काम करते हैं, इस आईसी को निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम अभी फिलहाल हम डायरेक्ट कॉइल भी बदल सकते हैं, क्योंकि कॉइल भी काम नहीं करते हैं तो हमारा कोई बिजली नहीं बनता नहीं है ये वजह, तो हम कॉइल भी बदल सकते हैं। और मुझे ज़्यादातर डाउट कॉइल का ही हो रहा है क्योंकि मेरा आईसी एलपीयू बना रहा है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम कॉइल बदल के देख लेते हैं, और अगर कॉइल बदलने से हो जाएगा काम तो हमें डीएसओ से स्विचिंग नहीं मिल जाएगी। अभी हमने स्विचिंग नहीं चेक की है, ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉइल बदल के देखते हैं, और कॉइल बदलने के बाद काम नहीं हुआ तो फिर हम आईसी को बदलेंगे, डायरेक्ट आईसी नहीं उठाएंगे।
तो चलिए अब हम इसको फाइनली चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रोसीजर है, मतलब आगे क्या है। तो अभी हम चार्जर को फिर से ले लेते हैं। पहले हम चार्जर ही चेक करेंगे कि हमारा चार्जिंग से हमारा वीडीडी मेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है करके। फिर हम अपना बोर्ड चेक करेंगे कि बोर्ड हमारा चालू हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जनरली ऐसे में लोग है ना ज्यादातर क्या करते हैं, बोर्ड को स्वैपिंग नहीं कर देते, ये नहीं सोचते हैं कि स्वैपिंग में कितना उनको ऐसा वेस्ट ही है उनका एक तरह से, क्योंकि स्वैपिंग में टाइम भी लगता है और कोई पैसा बचता नहीं है, क्योंकि स्वैपिंग में क्या ही है, आगे ज्यादा तो बोर्ड का मार्केट में। मैंने प्लस लगा दिया है, माइनस भी लगा दिया है प्लस के साथ। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या वोल्टेज आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं ये करके। हमने चार्जर इंसर्ट कर दिया है तो आप वोल्टेज चेक कीजिएगा भाई। ये तो 5 आ रहे ठीक है, यहाँ पे भी 5 आ रहे नोटिस करें। एक मिनट, मेरा कैमरा लगता है डिस्कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, आप नोटिस कीजिएगा, मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 आ रहे, यहाँ पर भी 5 आ रहे हैं। अब हम एक कैपेसिटर में देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमें 4.2 आ गए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम है वो सक्सेस हो गया है। अब हम देखेंगे कि अब हमारा बूटिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो पहले क्या था कि मोबाइल डेड था कस्टमर का, ठीक है, और कस्टमर का ये कहना था कि फोन डेड हो गया है, इसलिए वो दुकानदार ने ही भेजा था ना, और जो कस्टमर ने दुकानदार से कहा था कि कुछ भी नहीं कर रहा है पावर की दबाने पर कुछ भी, क्योंकि ये वीडीडी मेन ही नहीं बना रहा था। अभी वीडीडी मेन बनाने के लिए हमने चार्जिंग आईसी पर भी हमने आपको बताया कि इसका आईसी का फॉल्ट नहीं है, इसका जो है इसका चार्जिंग कैच का फॉल्ट है, बट हमने इसके बाद चार्जिंग आईसी भी चेंज की, तो ये दोनों का ही फॉल्ट हो सकता है। क्योंकि हमने पहले देखा, हमने कॉइल हमने आपने देखा कि किस तरीके से हमने फॉल्ट फाइंडिंग की और हमने केस स्टडी को सॉल्व किया। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एक वीवेट का जम्पर, हमने चार्जिंग आईसी के वीवेट के एक पॉइंट पे दिया हुआ है और हमने माइनस को यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, अब हम उसको टिगर करने वाले हैं। तो ये 60-70 करके 120 और 120 के बाद 200 पे जंप करना चाहिए। तो चलिए इसको टिकट करते हैं। यहाँ पर इसका टिकट पॉइंट है, ये देखिए ये टिकट हो रहा है, कुछ सेकंड तक होल्ड रखना है। अब देखिए यहाँ पर तो ये 0 चला गया, मुझे फिर से कुछ सेकंड तक होल्ड रखना है। इसमें लगता है ऐसा है कि टिकर नहीं हो रहा है, बट ये टिकर हो रहा है, हमें कुछ सेकंड तक होल्ड देना है इसको। ठीक है, फिर से हम देंगे, देखिए तो ये टिकर हो चुका है और अब देखो ये रीडिंग 200 की वो प्लस है और ये 500, 600, 1 एम्पियर पूरा लेगी। ये देखिए 600 चला गया है, 809। आई होप कि आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो जिसको हमने हल किया है, और अब हम इसको डन कर देते हैं।
तो ये हमारा केस डन हो चुका है। ये हमें आईफोन एक्स भेजा गया था बिहार से, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसके बोर्ड को, लेयर को रिवॉल्व करके हम कस्टमर को लौटा देंगे, मतलब कुरियर कर देंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो केस बताएंगे वो आईफोन 12 होने वाला है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आईफोन 12 होने वाला है। इस केस में ये फोन भी डेड है और हम कोशिश ये करेंगे कि फोन को बिना खोले मतलब हम इसको फोन को बिना स्वैप किए हम इसको बनाएं, तो हमारा यही केस होना चाहिए कि फोन को बिना स्वैप किए हम इसको बनाएंगे। हमने इस फोन को बनाने के लिए जो अभी आईफोन 11 है उसका यूज करने के लिए हमने सिर्फ प्रगमा फिक्स का यूज किया, हमने कोई बोर्नियो या किसी भी तरह का नहीं। तो जो एंड्रॉइड के भाई हैं तो उनको कोई भी अलग से आज की डेट में ZXW या ये लेने की जरूरत नहीं है, वो बोर्नियो या प्रगमा फिक्स से भी अपना काम चला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो, बस मैं यही चाहूंगा और धीरे धीरे ऐसी केस स्टडी में डालता रहूंगा लाइव। और ये सब कुछ लाइव कस्टमर के सेट होकर है, ये कुछ भी हमारे सेट नहीं है, क्योंकि ये सारे जो केस स्टडी हैं ये अपने कस्टमर के सेट पर है। और ऐसे ही आपको अगर एंड्रॉइड पे काम सीखना है तो आप एंड्रॉइड के लिए हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हो ऑफलाइन कोर्स के लिए। अभी इस महीने एक ऑफर भी है, वो ऑफर क्या है, दो ऑफर है एक्चुअली, पैसों में डिस्काउंट नहीं है बट दो ऑफर हैं जो सिर्फ एक महीने के लिए। उसके लिए आपको MD सर को कॉल लगाना पड़ेगा। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अच्छा काम सीखोगे उतना ही अच्छा काम करोगे, और काम सीखने के बाद खुद को भी काम एक बार करना बहुत जरूरी है। तो एक चालू फोन की रीडिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑन फोन की रीडिंग के चक्कर में ऑफ फोन की रीडिंग पे काम करते हैं, पर ऑन फोन की रीडिंग वो समझते ही नहीं है। अगर वो एक ऑन फोन की हर कैपेसिटर, हर कंपोनेंट की रीडिंग या वोल्टेज उठा लें तो मुझे लगता है कि उनको फोन बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर फोन डैमेज होगा तो चेंज हो जाएगा, बट बाकी उनको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आपको मजा आएगा देखने में और आपको पता चलेगा कि सस्ता ही होता है और जो स्टेबल होता है वो ही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है। और एक टाइम फीस दूंगा, जिंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। चिल्लाने वाली बात है क्या? बाकी में है या नहीं है? कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है? कौन कौन काम करने वाला है?